हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट डे व्हेन आई केम ओवर टू मीट यू। That day when I came over to meet you, बता रहा है कि उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आया था, That day when I came over to meet you, तुम टेबल पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। बता रहा है कि You are sitting at the table drinking coffee, यानी तुम टेबल पर बैठी कॉफ़ी पी रही थी। You are sitting at the table drinking कॉफ़ी। आगे कह रहा है कि पता नहीं तुमने वैसा क्यों किया था। आई डोंट नो वाई यू डिड दैट, पता नहीं तुमने वैसा क्यों किया था। आई डोंट नो वाई यू डिड दैट, लेकिन तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट यू रिफ्यूज्ड टू मीट मी, लेकिन तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। बट यू रिफ्यूज्ड टू मीट मी। तो इसके जवाब में बोल रही है कि उस दिन एक दुर्घटना में मेरी माँ की मौत हो गई थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे माई मदर डाइड दैट डे इन एन एक्सीडेंट, यानी उस दिन दुर्घटना में, एक्सीडेंट में मेरी माँ की मौत हो गई थी। माई मदर डाइड दैट डे इन एन एक्सीडेंट, मैं पूरी तरह से सदमे में थी। मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई वॉज कम्प्लीटली इन शोक, यानी मैं पूरी तरह से सदमे में थी। आई वॉज कम्प्लीटली इन शोक, मेरा किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था। तो पास्ट में बात चल रही है कि मेरा किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था, तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई डिडेंट फील लाइक मीटिंग एनीवन, यानी मेरा किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा था। हो सकता है कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन ऐसा मेरा इरादा नहीं था। यहाँ पर इससे कह रहा है कि I may have hurt your feelings, but such was not my intention. हो सकता है कि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन ऐसा मेरा इरादा नहीं था। आई मे हैव हर्ट योर फीलिंग्स बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। आगे बोल रहा है कि वैसे तुम कहाँ थे जब मैं कल तुम्हारे घर आया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे By the way, where were you when I came over to your house yesterday? जब मैं कल तुम्हारे घर आया था। तो इस तरीके से हम पूछ लेते हैं कि By the way, where were you when I came over to your house yesterday? वैसे तुम कहाँ थे जब मैं कल तुम्हारे घर आया था। मैं तुम्हें बताने आया था कि मैंने अपना मन बदल लिया है। बता रहा है कि I came to tell you that I changed my mind. वो बहुत बदल चुका है, वो अब ऐसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी लड़के के बारे में कह रहा है कि वो बहुत बदल चुका है, वो अब ऐसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था, यानी जैसा पहले हुआ करता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे He has changed a lot, यानी वो बहुत बदल चुका है। He has changed a lot. He is no longer what he used to be. वो अब ऐसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। He has changed a lot and he is no longer what he used to be. वो बहुत बदल चुका है, वो अब ऐसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। जब से उसने अपनी नौकरी खोई है, यानी किसी इंसान की नौकरी चली गई, उसके बारे में कह रहा है कि जब से उसने अपनी नौकरी खोई है, Ever since he lost his job, यानी जब से उसने अपनी नौकरी खोई है, वो बहुत बदल गया है। He has changed a lot, वो बहुत बदल गया है। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आगे कह रहा है कि Isn't there anything we can do for him? कह रहा है कि क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ खाली समय था तो मैं आ गई। यहाँ पर ये आ गई इसके पास, इसके घर पे मिलने। कह रही है कि I had some free time, so I came over. यानी मेरे पास कुछ खाली समय था तो मैं आ गई। I had some free time, so I came over. तो आप चाहो तो over हटा भी सकते हो। आगे कह रही है कि
अगर तुम मुझे कार चलाना सिखा सको, कह रही कि इफ यू कुड टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार, इफ यू कुड टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार, कह रही कि अगर तुम मुझे कार चलाना सिखा सको, इफ यू कुड टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार, तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूँगी, यानी बहुत एहसानमंद रहूँगी। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कुड टीच मी हाउ टू ड्राइव अ कार, अगर तुम मुझे कार चलाना सिखा दो। हालांकि मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ, यहाँ पर किसी से कह रही कि although I am not very smart, स्मार्ट मतलब होशियार, समझदार, कह रही कि हालांकि मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ, although I am not very smart, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। I am not stupid either, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। आई एम नॉट स्ट्यूपिड ईदर, मैं जानती थी तुम मुझे किसी दिन धोखा दोगे। तो आगे उसी इंसान से कह रही है कि मैं जानती थी तुम मुझे किसी दिन धोखा दोगे, इंग्लिश में बोलेंगे I knew you would betray me someday। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने विल की जगह वुड का यूज़ किया, क्योंकि आई न्यू यानी पास्ट में कह रही है कि मैं जानती थी। अगर ऐसा होता कि प्रेजेंट में बोल रही है कि आई नो यानी मैं जानती हूँ, तो अब हम यहाँ पर वुड की जगह विल का यूज़ करेंगे। अगर हम प्रेजेंट में बोल रहे हों कि आई नो यू विल बिट्रे मी यानी मैं जानती हूँ तुम मुझे धोखा दोगे, यानी हम प्रेजेंट में कह रहे हैं। लेकिन जब हम इसी बात को पास्ट में कहते हैं कि आई न्यू मैं जानती थी You would betray me someday, तुम मुझे किस दिन धोखा दोगे, तब हम would का यूज़ करेंगे। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं बाहर थोड़ी देर आराम करने के बाद जाऊँगा, कह रहा है कि बाहर तो मैं जाऊँगा लेकिन थोड़ी देर आराम करने के बाद जाऊँगा, कह रहा है कि I'll go out after I have rested for a while, यानी मैं बाहर थोड़ी देर आराम करने के बाद जाऊँगा। मैंने फैसला कर लिया है मैं उससे मिलने जा रही हूँ। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, वैसा करने जा रहा हूँ। तो इस इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं जैसे कह रही है कि आई हैव डिसाइडेड, यानी मैंने फैसला कर लिया है। I have decided I am going to meet her, मैंने फैसला कर लिया है मैं उससे मिलने जा रही हूँ। उससे बात करना समय की बर्बादी होगी, कह रहा है कि उससे तुम बात तो करोगी वो मानेगी नहीं, इसलिए बोल रहा है कि उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। Talking to him would be a waste of time, यानी उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। तुम आज यहाँ मेरी वजह से हो, यहाँ पर ये अपने छोटे भाई से कह रहा है कि तुम आज यहाँ जहाँ पे भी हो, मतलब जिस मुकाम पे तुम पहुँचे हो, आज जो तुम यहाँ हो मेरी वजह से हो। You are here today because of me, तुम आज यहाँ मेरी वजह से हो, ये टॉम था जिसने ऐसा किया था। तो इस पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लग रहा है, तो कह रहा है कि मैंने नहीं किया ऐसा, ये टॉम था जिसने ऐसा किया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज टॉम हु डिड दैट, यानी ये टॉम ने किया था, टॉम था ऐसा जिसने ऐसा किया, इट वॉज टॉम हु डिड दैट। तो कह रही है कि लेकिन मैं तुम्हें भी बराबर का जिम्मेदार ठहराती हूँ। यहाँ पर ही कह रही है बट आई होल्ड यू इक्वली रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मैं तुम्हें ही बराबर का जिम्मेदार ठहराता हूँ, बट आई होल्ड यू इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप